सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें जीते जी अपने संतान से सम्मान और सुख प्राप्त नहीं हो रहा, परिवार होने के बावजूद वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। हर माता पिता का ये सपना होता है कि उसकी पहचान अपने बच्चों के नाम से हो, मगर अपनों से दूर आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में जिंदगी बिता रहे कई बुजुर्गों की आंखों के आंसू उनकी दर्द भरी कहानी बयां कर रहे हैं। पिता अपने बेटे को कंधों पर बिठा कर सवारी करता है, उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। वो अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर इस लायक बनाता है कि वो एक मुकाम हासिल कर सके, उनका सहारा बन सके। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर उसे दुत्कारता है, पीटता है, घर से निकाल देता है, तब उस पिता पर सोचो क्या बीतती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तस्वीरों में दिख रहे पति और पत्नी का नाम राजेश अग्रवाल और गीता रानी अग्रवाल है, जो आगरा शहर के रहने वाले हैं। दोनों पति पत्नी का ये कहना है कि उनका एक बेटा है जो आए दिन पिता राजेश अग्रवाल के साथ मारपीट करता रहता है, उन्हें खाने पीने के लिए परेशान करता है। वो ये कहते हैं कि हमने कभी जीवन में भी ये नहीं सोचा था कि उनका वो बेटा जिसको उन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया, वो आज भी उनके खिलाफ है। उनका मकान जमीन हड़प लिया गया, घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अब वो भूल कर भी बेटे के पास नहीं जाना चाहते। मैंने लड़के को पढ़ा लिखा के खूब अच्छी तालीम दी, पर नहीं वो तालीम उसके काम में नहीं आई। उसने हमें मारा, मकान था हमारा, वो भी बिकवा दिया उसने, 17 रुपया उसने ले लिया हमसे। और फिर उसके बाद मारा पीटी करने लगा हमें, खाने पीने की हमें तंगी होने लगी। तो हम परेशान होकर यानी उससे बात करी हमने, बोले मैं तुम्हें अपने संग नहीं रख सकता हूँ। आपको दर्द नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती? दर्द तो भाई साहब, दर्द तो भाई साहब सब सोचती रहती है, रात को नींद नहीं आती है कि ये क्या हो गया, हो रहा है हमारे साथ। ये अत्यधिक एक दिन के लिए आई थी मैं, फिर यानी वो रोया पीता यहाँ पे, फिर चले गए हम। फिर 8 दिन मैंने, हाँ फिर बोला 8 दिन क्या नहीं, फिर सेवा भी उसी, खाना पीना सब पड़ा, फिर बोला अब तुम चली आओ दोनों, फिर हम आ गए यहाँ पे। ये है शहाबुद्दीन, जिनके 3 बेटे हैं, आगरा के रहने वाले हैं। तीनों बेटे अच्छे से सेट हैं, अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, पर 3-3 बेटों के होते हुए वो आज वृद्धा आश्रम की चौखट पर हैं। उनके बेटे ने पहले उनसे उनका मकान छीना, फिर मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। वो कहते हैं ईश्वर ऐसी औलाद किसी को न दे। बुड्ढा हो गया, मकान में 20,000 रुपये लगा के 60,000 ले लिए मैंने, लड़के ने बड़े वाले ने जबरदस्ती से मारपीट करके नहीं आके मकान बेच, मैंने 60,000 लगाया। और 60,000 लेने के बाद में फिर उनने जो मतलब हिस्सा ले लिया, 80-80 हज़ार, हाँ सब उन्होंने ले लिए पैसे। फिर उसके बावजूद फिर मुझे जो पैसे मेरे पास बचे थे वो भी खा लिए उन्होंने ठग विद्या से जे, और पैसे खा पी के नहीं, फिर मारपीट करके नहीं भगा दिया। मेरे तो दर्द ही दर्द है, मुझे तो कैसे चैन ही नहीं है। ना आ गया तो कह दी कि तुमने बदनामी करा दी हमारी, बड़ा लड़का बुला लेता था आदमी वाला तो उसको भी रख नहीं देते, शराब पी पी के नहीं, अब उसमें भी लड़ते हैं, मुझसे भी लड़ते हैं, कहते हैं भगाओ भगाओ इसको। बेटे बुलाएंगे तो जाओगे क्या दोबारा? अब मैं क्या जाऊँ, मैं तो वैसे ही मरा हुआ समझ लो, न इस पार हूँ न मैं उस पार हूँ, मेरी हालत इस तरीके की रहती है। 70 वर्षीय इस बूढ़ी माँ का नाम कृष्णा देवी है। इनका ये कहना है कि इनके इकलौते बेटे ने उन्हें घर से आधी रात को निकाल दिया। वो कहता है मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, पर आपको जानकर ये ताजुब होगा कि उनका एक बेटा मंदिर संभालता है और महात्मा बनकर साधु संतों की सेवा करता है, पर अफसोस अपनी माँ के लिए उसके पास समय नहीं। वो उसके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। माँ इतनी दुखी है कि अब अपने बेटे की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। यहाँ आगे आश्रम में महात्मा बने हुआ एक लड़का है, वो मारता पीटता है, रात में निकालता है। अच्छा, हाँ हम तो यहाँ कहता टट्टी खाती है तू यहाँ आके, और कुछ तकलीफ नहीं है, और नहीं बस यही है। ये 3 मामले तो सिर्फ वानगी भर है। दर्द की दीवार गिराकर आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम के 300 बुजुर्गों ने प्यार का नया संसार बना लिया। इन बुजुर्गों में कई ऐसे हैं जो अब घर वापस जाना नहीं चाहते। उनका ये कहना है कि आश्रम में उनका सच्चा और अच्छा परिवार बन चुका है, अब आश्रम ही मेरा घर है, यही जीवन की शाम कटेगी।
आश्रम के अध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा ये कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि पिछले 10 दिन में 13 वृद्ध माता पिता यहाँ आ चुके हैं और 2 वृद्ध माता पिता का उनके परिवार को बुला करके समझौता कराया गया है। बच्चों द्वारा जो प्रताड़ित होकर के आते हैं उससे यही प्रतीत होता है कि कलयुग का आगमन हो गया है। हमारे ऊपर ये जो पश्चिमी सभ्यता है वो इतनी हावी हो गई है कि बच्चों के पास वृद्ध माता पिता के लिए समय ही नहीं। शास्त्रों में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता को जीवित रहते हुए भी भटकने के लिए छोड़ दिया और ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर मनोचिकित्सक की क्या राय है ये आपको सुनाते हैं। मॉडर्नाइजेशन की एक समस्या हो गई है, एक न्यूक्लियर फैमिलीज कल्चर हो गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज में लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक आपस में सद्भावना होती थी, आपस में डेडिकेशन होता था, वो चीज़ें कम हो गई हैं मॉडर्न कल्चर की वजह से भी। जो मॉडर्न कल्चर ने उनको ये सिखा रहा है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से उनकी जो एक संस्कार वाली चीज़ें हैं जो पहले होती थी जॉइंट फैमिली से, वो कम हो गई हैं। आज के समय में जहां मुसीबत पड़ने पर अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में कुछ समाज सेवी लोग और संस्थाएं आगे आकर लोगों के बुरे वक्त में उन्हें सहारा दे रही हैं। कुछ ऐसा ही नए कार्य आगरा के रामलाल वृद्ध आश्रम कर रहा है, जो बेसहारा बुजुर्गों को अपने माता पिता की तरह सेवा कर रहा है।